वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड जोन, आपका प्यारा स्कूल। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड जोन, आपका प्यारा स्कूल। आज हमारा टॉपिक होगा मैथ स्टैंडर्ड 2, लेट्स रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्शन। चलो करते हैं इस मजेदार वीडियो को शुरुआत। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। लगभग सब एक्टिविटीज, सब टाइप्स के जो एग्जांपल्स है वो लेने वाले। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सब कुछ अच्छे से होगा क्योंकि हम हमेशा कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं। उससे पहले आप हमारे वेबसाइट एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम और ट्रैप चैनल, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज जाके चेक कीजिएगा। ये है लेट्स रिड्यूस बाय द सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए और उनके सहारे आप लोगों को एक सिंपल सा गणित दिया है, ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड में किया था। जैसे यहाँ पे देखो 5 - 3, तो पहले आपको 5 कब्स दिए, जैसे कि काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें से 3 माइनस किए, इसलिए उन्होंने क्या किया है 1, 2, 3 ये माइनस किए, तो कितने बचे यहाँ पे 1 और 2। तो यहाँ पे 1 और 2 दिए है, इसलिए यहाँ का आंसर क्या आएगा 2। जितने नंबर्स दिए हैं उतने नंबर में से नंबर रहेगा, उतना कट करते जाना है तो जो बचेगा वो आंसर। ओके, तो चलो समझते हैं अभी। क्षितिज हैड 5 कप्स, ही गेव 3 कप्स टू आंचल। उसने आंचल को 3 कप्स दे दिए। हाउ मेनी कप्स आर लेफ्ट विद क्षितिज, तो अभी क्षितिज के पास कितने कप रहेंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2 कप्स। इसलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों नंबर्स जो है वो यूनिट्स के, इसमें टेंस है ही नहीं, करेक्ट। तो इसलिए फर्स्ट जो 5 है वो किसके पास थे, कप, कप्स विद क्षितिज। देन उसने 3 कप्स किसको दे दिए, आंचल को, तो कप्स गिवन टू आंचल। फिर हमारा आंसर क्या रहना चाहिए, कप्स लेफ्ट विद क्षितिज। सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन का साइन ये रहता है, एडिशन का साइन हमने लास्ट टाइम देखा है ना। अगर वो वीडियो देखी नहीं रहेगी तो वो भी चेक करना, हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। तो एडिशन का साइन ये रहता है इस तरह से, और ये है सब्ट्रैक्शन का साइन। तो 5 में से 3 माइनस होते हैं तो हमारा आंसर मिलेगा 2, जो हमने ऑलरेडी ऊपर कर दिया है। तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है भाभी। चलो देखते हैं और एग्जांपल। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बाय पेयरिंग ऑफ, यहाँ पे अभी पेयर कर रहे हैं हम लोग, तो पेयर कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। एक देखा हमने रिड्यूस करके, जितने नंबर दिए उसमें से रिड्यूस किया, अभी यहाँ पे पेयर करने हैं। जैसे देर आर 8 पेपर लैंटर्न्स एंड 4 लैंप्स, हाउ मेनी मोर लैंटर्न्स आर देयर देन द लैंप्स। मतलब 8 लैंटर्न्स है और 4 लैंप्स है, तो जो लैंटर्न्स है वो लैंप से कितने ज़्यादा है, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे उन्होंने ऊपर पिक्चर दिए है, जैसे 8 लैंटर्न्स, तो यहाँ पे काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसलिए ये 8 लैंटर्न्स हो गए। ओके, और ये 4 लैंप्स है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, तो ये जो 4 है वो लैंप्स है। तो अभी पेयर किया है उन्होंने, ये लैंटर्न के लिए ये लैंप, ये लैंटर्न के लिए ये लैंप, तो जितने पेयर हो रहे हैं उतने हम कट करते जाएंगे और जो बचे हैं वो रहेगा हमारा आंसर। तो कितने बचे हैं, 1, 2, 3, 4, इसलिए यहाँ पे आंसर मिला हमें 4, राइट। तो ये इस तरह से हमें पेयर करके भी सब्ट्रैक्शन हो सकता है। क्वेश्चन जो पूछा है उसी को यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी मोर लैंटर्न्स आर देयर देन द लैंप्स, सो हमारा आंसर भी रहेगा देयर आर 4 मोर लैंटर्न्स देन देयर आर लैंप्स। ओके, सो अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो उसका आंसर भी हमें वर्ड में देना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो अभी से आदत डालो ताकि तुम आगे जाके जब भी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करो तभी ये आंसर इसी तरह देना है, ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 स्लेट्स एंड 11 बुक्स, बाय हाउ मेनी इज द नंबर ऑफ द स्लेट्स लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पे स्लेट्स कितने हैं भाभी, यहाँ पे 6 एंड बुक्स कितने हैं 11, तो बुक्स कितने ज्यादा है स्लेट्स से वो बताना है, जैसा हमने पहले वाला एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे फिर से हम इमेज लेते हैं बुक्स के, बुक्स देखो 11 है, इसलिए जो नंबर ज्यादा है वो वाला नंबर ऊपर लेना है। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये टोटल बुक्स कितने हो गए 11, इसलिए इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा 11। अभी स्लेट्स है तो स्लेट्स हमें कितने दिए हैं 6, तो यहाँ पे 6 काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो स्लेट्स वाला नंबर यहाँ पे देते हैं इस बॉक्स में, तो ये आ गया 6। अभी सिमिलर इसको जो पेयर करते हैं वैसे कट करते जाएंगे, जितने पेयर है उतने कट करते जाएंगे, तो ये हमारे लिए रिमेनिंग बुक्स रह गए हैं। तो ये काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 5। और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड में आंसर देंगे देयर आर
फाइव फ्यूअर स्लेट्स देन देयर आर बुक्स, बुक से फाइव स्लेट्स कम है। ओके तो फटाफट करते हैं क्योंकि बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स लिए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फटाफट करते हैं। यहाँ पे देखो, देयर आर 8 स्ट्रॉबेरीज एंड 6 pomegranates. How many more strawberries are there? Let us subscribe to find the answer. Okay, तो अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा है 8 strawberries है and 6 pomegranates है, तो strawberries हम ऊपर ले लेंगे क्योंकि वो बड़ा है। यहाँ पे 8 strawberries लिए है और 6 pomegranate लिए है, तो 8 में से 6 माइनस करते हैं पेयर करके, तो रहेगा कितना 2। तो ये है हमारा आंसर और इसी आंसर को यहाँ पे दे दिया है। सो देयर आर 2 फ्यूअर pomegranates देन द स्ट्रॉबेरीज। सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैकवर्ड, ये एक अच्छा गेम दिया है तुम लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा गेम है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसको अगर आप अच्छे से करते हो तो सब्ट्रैक्शन का जो आपका कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, लेट अस प्ले 49 ब्लॉक्स ऑन इट। तो उसके ऊपर 49 ब्लॉक्स है, पिक ऑफ 5 और लेस देन 5 ब्लॉक्स एट अ टाइम। तो उसमें से 5 या 5 से कम ब्लॉक्स उठा सकते हो एक टाइम के लिए। यू विल गेट 1 चांस एट अ टाइम बट यू कैनॉट पिक ऑफ 0 ब्लॉक्स। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 0 ब्लॉक्स नहीं उठाना चाहिए। यू कैन पिक मैक्सिमम 5 और लेस देन दैट, ज्यादा से ज्यादा 5 उठा सकते हो या उससे कम, लेकिन 0 नहीं। द वन हु हैज टू पिक अप द लास्ट ब्लॉक लॉसेस द गेम। तो जो लास्ट ब्लॉक उठाएगा वो ये गेम हार जाएगा। है ना मजेदार? हाँ। चलो खेलते हैं। ये देखो, ये है और ये है वो ब्लॉक। ओके तो ये सभी अगर काउंट करोगे तो ये टोटल कितने हैं? 49 है। अभी यहाँ पे कौन कौन खेल रहा है देखो, रमा स्टार्टेड द गेम। तो सबसे पहले रमा ने उठाए, काउंटिंग बैक फॉरवर्ड फ्रॉम द 49 शी पिक अप 4 ब्लॉक्स। तो उसने पहले कितने ब्लॉक्स उठाए हैं? 4 ब्लॉक्स। तो कितने रह गए? 45 ब्लॉक्स आर देयर। नाउ इट इज यश टर्न। तो अभी यश की टर्न है टू पिक अप द ब्लॉक्स। प्लेइंग ऑन लाइक दिस, यश पिक अप द लास्ट ब्लॉक। तो उसने, यश ने लास्ट ब्लॉक उठाया है, इसका मतलब यश ये गेम हार गया है, लूज कर गया, एंड रमा वॉन दिस गेम। तो चलो खेलते हैं ये गेम। चलो अगले पेज पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे ये है रमा और यश, ये दोनों ही खेल रहे हैं, ठीक है, ठीके? और ये है वो ब्लॉक। पहला कौन खेली है? रमा। रमा ने 49 में से 4 ब्लॉक्स उठाए, तो ये टोटल थे, उसमें से रमा ने ये 2, 3 एंड 4, तो ये वाले ब्लॉक्स उठाए, तो यहाँ पे रह गए कितना? 45। अभी यश की टर्न थी, यश ने 5 ब्लॉक्स उठाए, तो यहाँ पे फिर से हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी कितने रह गए? 40 ब्लॉक्स रह गए। फिर से रमा की टर्न आ गई, रमा ने फिर से 5 उठाए, तो यहाँ पे फिर से 5 कम करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके तो अभी 40 में से 5 माइनस करते हैं, तो रह गए कितने? 35। अभी यश की टर्न, यश ने फिर से 4 ब्लॉक्स उठाए, तो फिर कम करते हैं 1, 2, 3, 4। अभी कितने रह गए? 35 में से 4 जाते हैं तो 31। ओके अभी 31 में से रमा ने 3 उठाए, तो फिर से रमा के 3 हम कम करते हैं 1, 2, 3। अभी यश की बारी है, यहाँ पे कितने रह गए? 28। अभी यश ने फिर से 5 उठाए, अभी कितने रह गए? 23। तो यहाँ पे 5 कम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा करते करते अभी फिर से रमा के टर्न, रमा ने फिर से 5 उठाए, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी कितने रह गए वहाँ पे? सिर्फ 18 ब्लॉक्स रह गए। अभी यश की बारी, यश ने फिर से 5 उठाए, 1, 2, 3, 4, 5। कितने रह गए? 13। रमा ने फिर से 5 उठाए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक ही। तो यहाँ पे कितने रह गए? 8 ब्लॉक्स। अभी यश की टर्न है, यश ने उठाए 4, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4। अभी बारी आ गई रमा की, रमा ने उठाए सिर्फ 3, तो 1, 2, 3। तो ये जो ब्लॉक रह गया 1 वाला, वो कौन उठाएगा? यश। और यश को उठाना पड़ा क्योंकि गेम का रूल है ब्लॉक्स उठाने हैं। जैसे उसने लास्ट ब्लॉक उठाया वो गेम लूज कर गया, ओके हार गया वो, और इस तरह से रमा वॉन द गेम। है ना मजेदार गेम? खेल सकते हो आप?
अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो इस तरह से ब्लॉक वाला एक पेपर बनाओ और उसके अंदर दूसरी कोई भी चीज़ें जो आपके घर में रहेंगे, या मार्बल्स रहेंगे या फिर पेपर्स के कुछ चीज़ें बना सकते हैं, वो रख के भी ये गेम खेल सकते हो, है ना। तो ट्राई करना, इससे आप लोगों का सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम ब्लॉक्स उठाते हैं वैसे वैसे उतने नंबर्स माइनस करते हैं और माइनस करके हमें लास्ट वाला नंबर मिलता है। ओके, तो चलो अभी कुछ गणित से वो भी ले लेते हैं। सुरेश एंड रमेश डिसाइडेड टू मेक अ दिवाली ग्रीटिंग कार्ड्स। उन्होंने, सुरेश और रमेश ने दिवाली ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का सोच लिया। दे हैड टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल्स। सुरेश हैड 9 रुपीज, रमेश ऑल्सो बॉट सम। ऑल टुगेदर दे हैड 14 रुपीज, और रमेश ने भी कुछ पैसे लाए, तो दोनों के मिला के कितने हो गए? 14 रुपीज हो गए। हाउ मेनी रुपीज डिड रमेश ब्रिंग? तो बताओ रमेश ने कितने रुपए लाए है? सो वी मस्ट सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम 14, क्योंकि टोटल रुपीज में से अगर हम सुरेश के 9 रुपीज निकालते हैं तो हमें मिलेगा रमेश के रुपीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 14 को। यश और रमा का जो एग्जांपल है वही यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। आई ड्रॉ अ 14 आर्टिकल्स, तो वो क्या करेंगे? 14 आर्टिकल्स ड्रॉ करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसमें से सुरेश के कितने 9 रुपीज है, तो वो कट करेंगे हम। तो यहाँ पे 9 को कट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अभी यहाँ पे कितने जो बचे हैं वो ही हमारा आंसर रहेगा, मतलब उतने ही पैसे रहेंगे रमेश के। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब रमेश के कितने रुपीज हो सकते हैं? 5 रुपीज। परफेक्ट भाभी, तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सिमिलर ये भी एक्सप्लेन उसी प्रकार किया है, 14 सर्कल्स निकाले हैं, जैसे 9 सर्कल्स को कट किया है, तो जो 5 सर्कल्स बचे हैं वही रमेश के रुपीज रहेंगे। ओके रमा, आई काउंटेड नंबर्स फॉरवर्ड फ्रॉम 9 to 14। तो रमा ने क्या बोला कि मैं 9 से आगे 14 तक के नंबर्स काउंट करूंगी, तो उसने काउंट किया, 9 के आगे आता है 10, 11, 12, 13, 14। अभी 14 नंबर आ गया तो वैसे ही वो रुक गई, और इनको काउंट किया तो ये नंबर भी कितना मिला हमें? 5। तो दोनों से एक तो हम एक क्रॉस करके भी कर सकते हैं रिड्यूसिंग मेथड से, या फिर फॉरवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हैं, राइट। आपको जिस प्रकार से गणित रहेगा उस प्रकार से उस मेथड को यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल्स, वी कैन यूज द नंबर लाइन टू कैरी आउट अ सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग आइदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड। लेट अस सी द सब्ट्रैक्शन, 14 माइनस 9, यहाँ पे दिया है 14 माइनस 9, तो इन्होंने एडिशन किया है, 9 प्लस 5, दैट इज 14, देयरफॉर 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, मतलब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो फिर से यहाँ पे देखते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया है, 9 नंबर लिया है नंबर लाइन पे, और वहाँ से 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहे हैं, जैसे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4 एंड 5, तो हमें नंबर कौन सा मिल गया? 14। या तो हम उल्टा भी जा सकते हैं, जैसे 14 है तो जो रमेश के रुपीस थे तो उसको हमने बैक काउंटिंग किया 13, जैसे इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये है 9, तो रमेश के 9 नंबर्स हमने बैकवर्ड पे आ गए तो हमारे लिए आंसर मिल गया। सुरेश के जो 9 रुपीज थे हमने बैकवर्ड पे आ गए तो हमें आंसर मिल गया 5, इसका मतलब 5 रुपीज जो थे वो रमेश का कंट्रीब्यूशन था। ओके, तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करनी है तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर पे आना है, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है तो स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर पे काउंटिंग करनी है। ओके, इन द फर्स्ट डायग्राम अबो देयर वेयर 5 जंप्स फॉरवर्ड्स, तो यहाँ पे हमने 5 जंप्स फॉरवर्ड किए है टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम 9 to 14। इन द सेकेंड डायग्राम वी जंप 9 वेयर टेकन टूवर्ड्स अ लेफ्ट फ्रॉम द 14, तो हमने सेकेंड डायग्राम में यहाँ पे हमने 14 से 5 तक के 9 जंप्स किए हैं जो बैकवर्ड्स की तरफ लिया है, तो विच स्टॉप्स एट 5, तो बोथ द मेथड्स गिव अस द सेम आंसर, दैट इज 5।
Thus, the subtraction can be done by the both method using number lines. तो number lines के ऊपर भी subtraction method हम easily use कर सकते हैं और वो दोनों method से होते हैं. Either you can do it by backward side or you can do it by forward side. So, I hope तुम लोगों को ये methods समझ में आई रहेगी. ठीक है, तो चलो हम कुछ और examples देखते हैं. ये practice के लिए, practice this by carrying out from the फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन. 12 माइनस 8, इसका मतलब 8 के आगे हमें 12 तक के काउंटिंग करने थे. 8 के आगे क्या आता है? 9, 10, 11, 12. ओके, तो 12 आ गया. ये लाइन्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4. इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? 4. इसी तरह यहाँ पे देखो 32 में से सिर्फ 1 माइनस करना है. तो अभी यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम जाएगा. 31 होने तक हमें रुकना पड़ेगा. तो हम बैक काउंटिंग कर सकते हैं इसकी. 32 के पहले वाला नंबर, क्योंकि एक ही पीछे जाना है. इसका मतलब 31, राइट? तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 31. तो कौन से नंबर्स दिए हैं उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कौन सी वाली मेथड यूज करनी है. यहाँ पे हमने फॉरवर्ड काउंटिंग किया फर्स्ट नंबर के लिए, यहाँ पे हमने बैकवर्ड काउंटिंग किया. अभी यहाँ पे देखो 15 माइनस 10, हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं 10 के बाद 15 आने तक. 11, 12, 13, 14 एंड 15. अभी इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसका मतलब इसका आंसर रहेगा 5. ओके, यहाँ पे फिर से देखो 43 माइनस 2, तो 43 के 2 माइनस करते हैं तो 42 और 41. ये हो गया बैकवर्ड काउंटिंग. अभी 13 में से 11 माइनस करनी है, तो फिर से 11 के आगे फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे. 12, 13, इसका मतलब आंसर 2. यहाँ पे 39 माइनस 3, तो अभी फिर से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. 38, 37 एंड 36, तो इसका आंसर रहेगा 36, राइट? सो नंबर्स देख के हमें डिसाइड करना है बैकवर्ड काउंटिंग करनी है फॉरवर्ड काउंटिंग. यहाँ पे देखो फिर से दिया है 20 माइनस 18, तो फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स भी बड़े हैं और डिस्टेंस बहुत कम है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 18 के आगे 19, 20. तो ये हो गया आंसर 2. 44 में से 40 माइनस करना है, तो 40 के आगे फिर से काउंटिंग करेंगे. 41, 42, 43, 44, काउंट करो, 1, 2, 3, 4. तो इसका आंसर मिलेगा 4. 11 माइनस 2, तो 11 के बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. 10, 9, मिल गया आंसर हमें 9. तो इस तरह से हम इजीली कर सकते हैं. देखा, सो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, यही वाला जो हमने किया है, व्हाइल कैरिंग आउट द सब्ट्रैक्शन 43 माइनस 2, जैसे ये वाला नंबर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बैकवर्ड काउंटिंग किया. क्यों? क्योंकि अगर फॉरवर्ड काउंटिंग करते तो हमें 41 तक के बहुत नंबर्स काउंट करने पड़ते थे, इसलिए हमने बैकवर्ड काउंटिंग किया. तो हमें सिर्फ 2 ही नंबर्स काउंट करने पड़े. कौन सी मेथड इसके लिए इजी है? बैकवर्ड काउंटिंग. तो नंबर्स देखना है और डिसाइड करना है कौन सी मेथड यूज करनी है, बैकवर्ड काउंटिंग या फॉरवर्ड काउंटिंग. काउंटिंग द जंप्स टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम 2 टू 43, यू हैव टू काउंट 41 नंबर्स. और काउंटिंग 2 जंप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, काउंट 2 numbers backward side. So while carrying out the subtraction 44 to 40, यहाँ पे देखो 44 to 40, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, numbers बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमने backward counting करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये वाला number भी बड़ा था, इसलिए हमने forward counting ही किया. तो इस तरह से कौन सी method कौन से number के लिए decide रहेगी, ये तुम लोगों को decide करना है. और जो easier method रहेगी और जिससे हमें जल्दी answer मिलेगा, वही वाले method use करनी है. okay? लेकिन backward counting करते वक्त bigger number से लेके smaller number तक आना है, और forward counting करते वक्त smaller number से bigger number की तरफ count करना है. सब लोगों को समझ में आया? okay, चलो देखते हैं कुछ और examples. अब test time, यहाँ पे देखो आप लोगों को example दिया है. There are 12 pencils and 8 sharpeners. How many more pencils are there than the sharpeners? Sharpeners से pencil कितने ज़्यादा है, तो count करो यहाँ पे pencils कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So यहाँ पे answer क्या मिलेगा हमें, 12 pencils. Then count the sharpeners, उनको count करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये है 8. अभी आप लोगों को पेयर टू पेयर करना है तो भी कर सकते हो, नहीं तो हमें मालूम है 8 के आगे 12 तक काउंट करना है. 8 के आगे कितने आ सकते हैं, 9, 10, 11, 12. तो ये कितने हो गए,
1, 2, 3, 4 इसका मतलब आंसर क्या आएगा 4। या तो आप लोग इसको ये पेयर टू पेयर कट करते जाओगे, जितने शार्पनर है उतने पेंसिल देख के उसको पेयर करना है और जो रिमेनिंग रहेगा वो आपका आंसर। तो यहाँ पे भी काउंट करो 1, 2, 3, 4 ओके, तो ये हमारा आंसर बन गया। लेकिन पेयर टू पेयर अभी हमें नहीं जाना है क्योंकि ये वाली मेथड हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखी है, करेक्ट। तो अभी हमें सेकंड स्टैंडर्ड में है तो हमें ये वाली मेथड से जल्दी कर सकते हैं, स्मॉलर नंबर से लेके बिगर नंबर तक फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, या डिस्टेंस दोनों में ज़्यादा है तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर तक बैक काउंटिंग करनी है। तो इसका आंसर क्या देंगे हम, हाउ मेनी मोर पेंसिल्स आर देयर देन द शार्पनर्स, तो देयर आर 4 पेंसिल्स मोर देन द शार्पनर्स, इस तरह से हमें आंसर भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया हैज 10 मैंगोज एंड श्रेया हैज 12 एप्पल्स, बाय हाउ मेनी इज द नंबर्स ऑफ मैंगोज लेस देन द नंबर ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल्स जो है वो कितने दिए है उन्होंने 12। तो अभी हमें काउंट करके देखोगे तो भी इसका आंसर मिलेगा हमें 12। देन मैंगोज कितने हैं 10, इसका मतलब ये जो है मैंगोज 10 है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने दे दिया 10। अभी हमें मालूम है फॉरवर्ड काउंटिंग, इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस कम है तो हम 10 से फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 11 और 12, इसका मतलब ये कितने बन गए 2। तो आंसर क्या होगा 2 मैंगोज, देर आर 2 मैंगोज लेस देन द नंबर ऑफ एप्पल्स। चलो कुछ और देखते हैं, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, सब्ट्रैक्ट बाय बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है 17 - 5, तो 17 यहाँ पे दिया है, तो अभी बैक काउंटिंग शुरू करते हैं 16, 15, 14, 13, 12। तो यहाँ पे हमें 5 स्टेप जाना था, तो 1, 2, 3, 4 and 5, तो हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए हमें 12, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर दे दिया है 12। इसी तरह हमें ये भी करना है, यहाँ पे देखो 52 है और बैक काउंटिंग करनी है 4, इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक ही हमें जाना है। तो 52 के बैकवर्ड काउंटिंग में क्या आता है 51, देन 50, देन 49 और 48, इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया 48। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 48, राइट। अभी यहाँ पे देखो 31 - 6, तो हमें बैकवर्ड काउंटिंग 6 जाना है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 31 के आगे हम बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करते हैं 30, 29, 28, 27, 26 and 25, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 25। चलो कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, तुम लोगों को वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन प्रैक्टिस भी हमारी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, यूज द नंबर लाइंस टू सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे नंबर लाइंस को यूज करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। एक एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करके दिया है, यहाँ पे 19 - 8, उसका आंसर दिया है 11, लेकिन ये किस तरह से है, काउंट 11 स्टेप्स बैक फॉरवर्ड फ्रॉम 19, सो 19 नंबर किधर है यहाँ से, तो यहाँ से हमें काउंट बैक फॉरवर्ड कितने स्टेप्स आना है 8, तो जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो ये हम कहाँ पे आ गए हैं 11 पे, तो जंप करके हम जहाँ पे आ गए वही हमारा आंसर रहेगा, ओके समझ में आ रहा है। करते हैं हम दूसरे के लिए शुरुआत, अब यहाँ पे 25 - 6 दिया है, तो 25 कहाँ पे यहाँ पे, हमें कितने स्टेप्स पीछे जाना है 6 स्टेप्स, तो चलो करते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, तो यहाँ पे आ गए, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए 19, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 19, ओके। 57 - 7, तो चलो 57 कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमें बैकवर्ड स्टेप्स कितने जाना है 7, क्योंकि -7 करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा 50, परफेक्ट। आप लोग अभी होशियार हो गए हो, है ना, सब्ट्रैक्शन अभी इजीली कर सकते हो, कोई भी मेथड रहने दो, बैकवर्ड काउंटिंग रहने दो, फॉरवर्ड काउंटिंग रहने दो, या फिर पेयरिंग काउंटिंग रहने दो, जो भी रहेगा आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन सभी प्रकार के हमने एग्जांपल्स भी देख लिए और हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, तो यही पे हमारा ये लेसन खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारे मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।